अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए दो अदद पोस्ट जो बहुत ही आसानी से बन जाएंगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फाइल पा के न्यू पे क्लिक करें और यहाँ से हम लेते हैं 800 बाय 800 विद और हाइट और रेजोल्यूशन 72 और वाइट कलर क्रिएट कीजिएगा। अच्छा जी, अब करना है क्या है? सबसे पहले हम फाइल पर आते हैं, ओपन, और यहाँ से ले लेते हैं हेडफोन, ओपन करते हैं और इसको उठा के हम रखते हैं इस पेज पे। अच्छा जी, ये आ गया यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ से स्क्वायर पेन टूल ले लेते हैं। ठीक है जी, पेन टूल लेने के बाद हम यहाँ से पेन टूल लेंगे और यहाँ से लेंगे शेप और एक क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद इस लेयर को उठा के हम रख देंगे नीचे। ठीक है जी, एरो यहाँ ले लेते हैं, मूव टूल, इसको उठाते हैं हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा पेन टूल लेंगे, यहाँ से कलर लेंगे वाइट। बहुत आसान सा हम एक इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहे हैं या फेसबुक पोस्ट बना रहे हैं, बहुत ही आसान है। एक क्लिक यहाँ करा हमने, एक क्लिक यहाँ करा, एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक यहाँ, पॉइंट से पॉइंट मिला दिया। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कंट्रोल टी के ज़रिए, फिर इसकी इसको कंट्रोल टी से थोड़ा सा रोटेट करते हैं थोड़ा सा, और इसकी एक और कॉपी बनाते हैं, उसको यहाँ रखते हैं हम, थोड़ा सा रोटेट करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, फिर यहाँ से हम लेते हैं राइट क्लिक करके राउंडेड रेक्टेंगल और इसको फ़िलहाल ज़ीरो करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं ऐसे। अच्छा, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाएगा हमारे पास प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ठीक है ना, तो हो सकता है ये नया वर्जन है, हम मेरे पास खुल रहा हो, आपके पास नहीं भी खुल रहा तो कोई मसला नहीं, आपने इसके बग़ैर भी काम चला सकते हैं और स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं। तो इस पे से लिंक हटाएं, यहाँ कर दें 100 और यहाँ पे भी कर दें 100। ठीक है जी, इसको बड़ा कर लें। इसके बाद थोड़ा सा इसको नीचे रखिएगा और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं। कलर इसका रहते हैं रेड, यही वाला, और फॉन्ट ले लेते हैं गौथम। ठीक है जी, मैंने यहाँ से ले लिया गौथम फॉन्ट, ये वाला सही है। उसके बाद इसको छोटा करते हैं हम कंट्रोल टी से, फॉन्ट चेंज करके देखते हैं। ये सही है, और इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, स्पेस स्पेस इसका कर देते हैं -50, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से एक फॉन्ट और है मेरा फेवरेट, टेलिनोर बोल्ड, ओके जी, ये फॉन्ट ले लेते हैं। ठीक है जी, ये फॉन्ट मैंने ले लिया। ठीक है, और इसको जरा सा हटाएं, इसको दोबारा गौथम करें, यहाँ से लेता हूँ मैं गौथम जी, ओके, आई लव दिस वन, दिस वन, सही। ठीक है जी, मैंने ये ले लिया, उसको बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से लूँगा मैं रेक्टेंगल, इसको ड्रॉ करूँगा ऐसे, और इसका अंदर का कलर गायब कर देता हूँ मैं और आउटलाइन वाइट दे देता हूँ, और वो भी देता हूँ मैं 2।
ठीक है, और इसका फॉन्ट मैं कर देता हूँ बीबस। ओह यस बीबस, और बीबस में से मैं करता हूँ बीबस न्यू ब्लैक, इसको करता हूँ मैं रेड। ओके, इसका साइज करता हूँ मैं छोटा। ठीक है जी, और इसके पीछे मैं लगाता हूँ एक स्क्वायर ऐसे, इसका कलर होगा वाइट, इसको उठा के रखेंगे नीचे और इसको कर देंगे हम बोल्ड। ठीक है जी, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, इस रेक्टेंगल को भी थोड़ा छोटा करेंगे यहाँ से यहाँ। ठीक है जी। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे क्या, फॉन्ट फैमिली हम एक ही रखते हैं ठीक है ना, इसको भी हम कर देते हैं बीबस। बीबस फॉन्ट आपको मिल जाएगा नेट से, ठीक है, गूगल पर सर्च कीजिएगा। इसको भी यहाँ ला के रखते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, अब इनको सेलेक्ट करते हैं एक साथ शिफ्ट के साथ। इनको भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ रखते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको अंदर करते हैं यहाँ से। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, अब एक टेक्स्ट और आएगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा गैप दे देते हैं 50%, और फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसका, बल्कि फॉन्ट छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसको टिकाते हैं ऐसे, इसको थोड़ा सा करते हैं नीचे। ठीक है जी, यहाँ लिखते हैं हम अब इसकी प्राइस, बोल्ड कर दीजिएगा अभी बस, और फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा और कर देंगे इसको रख के। और यहाँ लिख देते हैं टेक्स्ट बाय नाउ। ठीक है जी, तो ये आपका इंस्टाग्राम की पोस्ट और फेसबुक की पोस्ट, जिसको आप जो कहना चाहें, तैयार हो चुका है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा है। अब यहाँ पे आप चाहें तो सोशल मीडिया के आइकन भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब इसको फाइनल टच देने के लिए कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं। ये और ये उठा लेते हैं तीनों। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, उसको यहाँ रखते हैं। अच्छा, अब इसको कलर देने के लिए इस लेयर पे डबल क्लिक करते हैं और हमारे पास लेयर स्टाइल का एक ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे होता है कलर ओवरले। कलर ओवरले पे क्लिक करके यहाँ से हम रेड कलर ले लेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे रेड कलर आ जाएगा। ओके करेंगे आप, ओके, और थोड़े बहुत एलिमेंट देने के लिए यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, कुछ एलिमेंट्स हैं इसको यहाँ पेस्ट कीजिएगा, कंट्रोल टी से छोटा कीजिएगा, इसको उठा के नीचे रख दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे,
और उसको पकड़ के ये ऐसा आ गया, एक एलिमेंट और होगा हमारे पास, उसको भी आप ऐसे रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये आपका भरपूर तैयार हो गया एक इंस्टाग्राम पोस्ट। अच्छा, बहुत ही जल्द एक हमारा एक चैनल है, मैं आपको एक नया चैनल हम मैं आपको एक बहुत जल्द एक नए चैनल का लिंक आपको बताऊंगा, तो आप उसको देखेंगे बहुत ही जल्द, तो आपको मज़ा आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को उसमें मौका मिलेगा। और ये थोड़ा सा सस्पेंस है कि वो चैनल किस टाइप का है, जब आप उसको देखेंगे तो यकीन माने आपको अंदाज़ा होगा कि आपके टीचर शाहरुख यानी कि मैं और मुझे क्या 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 कुछ नहीं आता। तो यकीनन यकीन माने आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया आपका एक इंस्टाग्राम का पोस्ट। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी पोस्ट की तरफ, तो एक काम करते हैं दोबारा से नया पेज लेते हैं, 800 बाय 800, रेजोल्यूशन 72। ठीक है जी, फाइल पाए ओपन, यहाँ से लिया ये हमने हेडफोन, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल कॉपी, और इसको कर दिया हमने यहाँ पे पेस्ट। अच्छा, बाकी चीज़ें फ़िलहाल मैं इसको यहाँ ये बंद कर देता हूँ, बल्कि इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है जी, इसको सेव कर लिया हमने। अच्छा, इसको हटा दें। अच्छा जी, अब हम कलर लेते हैं, यहाँ से क्लिक करें यहाँ पे, और ये रेड कलर उठा लें, थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा सा हम इसको डार्क ले लेते हैं, और यहाँ से ग्रेडियंट टू लेके इसको शिफ्ट के साथ अगली लेयर पे, सॉरी इसके बैकग्राउंड लेयर पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको और डार्क लूँगा ये, और इसको थोड़ा सा और डार्क। ठीक है जी, उसके बाद मैं यहाँ से ब्रश टूल लूँगा, हार्डनेस 0, साइज़ थोड़ा सा बड़ा करूँगा, एक लेयर और ऊपर खोलूँगा, और कलर लूँगा यहाँ से मैं थोड़ा सा शार्प ये वाला। ठीक है जी, और इसको ऐसे फेरूँगा। ठीक है, यहाँ से यूँ। अच्छा जी, उसके बाद एक लेयर मैं और खोलूँगा इसके ऊपर, इस कलर डार्क कलर को थोड़ा ऊपर रखूँगा, यहाँ से लूँगा ग्रेडियंट और ये ले लूँगा ट्रांसपेरेंट और डार्क कलर, और उसको थोड़ा सा मैं ऐसे यहाँ से यूँ फेरूँगा, नीचे से ऊपर फेरें, थोड़ा सा और थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा इसको। ठीक है जी, ये हो गया आपका ऐसे, सही है, थोड़ा सा ये गुड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, फाइल पे आऊँगा ओपन, यहाँ से लूँगा मैं ये ओपन करता हूँ, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल कंट्रोल सी कॉपी, इसको करूँगा पेस्ट, और इसको रखूँगा मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद हम फाइल पर आते हैं ओपन, और यहाँ से उठा लेते हैं ये स्मोक, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल कंट्रोल सी कॉपी, इसको बंद करके यहाँ करेंगे पेस्ट, और यहाँ से हम ले लेंगे कलर डॉच। ठीक है जी, आ गया स्टाइलिश, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हो गया, अब वही सोशल हमारा जो था आइकन, इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे, इसको रखेंगे यहाँ पे, उसका कलर चेंज कर देंगे, थोड़ा सा इस पर डबल क्लिक करें, और बिल्कुल वाइट नहीं लेता मैं, शायद सोच रहा हूँ इसका कलर मैं येलोइश टाइप का थोड़ा सा ले लूँ। ओके, ये ज़्यादा सही लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है जी, ये ले लिया मैंने, ओके करा, ओके करा। अब मैं टेक्स्ट लूँगा और क्लिक करूँगा, और यहाँ लिखूँगा मैं सेल, फॉन्ट यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा अच्छा लगेगा।
ओके, मैंने गौथम ले लिया, फॉन्ट लिया मैंने वाइट, ओके करा और इसका साइज़ मैंने बड़ा करा, इसको उठा के ऊपर रखता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ रखते हैं, इतना बड़ा। अच्छा, अब इस पर डबल क्लिक करते हैं, ग्रेडियंट ओवरले, और यहाँ ये दो कलर लेते हैं और इसको करते हैं हम लीनियर। ठीक है, इस पर क्लिक करके यहाँ से मैं कलर लेता हूँ वाइट, और यहाँ से मैं कलर लेता हूँ ग्रेश, थोड़ा सा ये आला। ठीक है जी, ओके करा, ओके करा, ओके करा। अब इसको दूंगा मैं मास्क, मास्क देने के बाद यहाँ से मैं लूँगा ग्रेडियंट, ट्रांसपेरेंट ब्लैक, शिफ्ट के साथ थोड़ा सा ऊपर करूँगा इस तरह, तो ये आएगा आपके पास लुक इस तरीके से। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ ऊपर, फॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं, और सी की डुप्लीकेट करते हैं, साइज के फॉन्ट थिन रखते हैं थोड़ा सा, और स्पेस कम करते हैं यहाँ से। ये करेक्टर जो है ये आपको मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से खुलता है। ठीक है, इसका साइज़ छोटा करते हैं थोड़ा सा, 36 इसको रखते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, और यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं हम फॉन्ट छोटा कर दें जरा सा, थिन फॉन्ट गैप कम कर दें इसका, -25 कर देते हैं, थोड़ा सा और कम करते हैं 75, और www.beatsaudio.com, कलर हम यही लेते हैं और फॉन्ट छोटा कर देते हैं इसका, और 14 14 से थोड़ा बड़ा करते हैं 16। ओके जी, एक और सोशल मीडिया का पोस्ट तैयार है। ठीक है जी, आप इसको इंस्टाग्राम पे यूज़ करें, या आप इसको फेसबुक पे यूज़ करें, या जहाँ आप यूज़ करना चाहें, किसी भी कंपनी के लिए आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगर और एक्स्ट्रा कुछ यूज़ करना चाहें तो और भी इसमें चीज़ें हैं, जस्ट लाइक आप और कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो फाइल माई ओपन, यहाँ से मैंने ये ले लिया, स्पार्क्स को कॉपी करा, उसको यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको स्क्रीन कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, फिर आपको इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ से बढ़ा रहे हैं तो फिर वहाँ से आप इसको डुप्लीकेट करके यहाँ रख दीजिएगा। ठीक है जी, बैकग्राउंड से गायब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि मैं नई से नई वीडियोस बनाता रहूं, और बहुत जल्द एक मैं नए चैनल का आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आपको मज़ा आए, उसमें आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच, बाय बाय।